चलिए मुकाबला आ रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मूल चंद में है पहला रेड डालने कोरबा की ओर से, और ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोरबा नगर के हमारे खिलाड़ियों को आज हमारे दर्शकों की उपस्थिति मिल पाती है, क्या उनको वो सपोर्ट मिल पाता है बिलासपुर के खिलाफ। तो पहला अंक बोनस के रूप में कोरबा के खिलाड़ी को। जी हाँ, इसी तरह से आपकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए, दर्शकों की लगातार उपस्थिति यहाँ पर दिखनी चाहिए। आपके आवाज से, आपके हौसलों से हमारे खिलाड़ियों में, और ये देखिए क्या है, कॉमन पॉइंट दोनों ओर से एक एक खिलाड़ियों को आउट करार दिया है। बेहतरीन फाइनल मुकाबला और शुरुआत भी कुछ बेहतरीन। सुरेंद्र गए हैं, जिनको हम गुरु के नाम से जानते हैं, हमारे स्थानीय खिलाड़ी हैं, कोरबा के, खासा प्रभावित किया है इन्होंने इस प्रतियोगिता में, और शानदार फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें भिड़ रही हैं। हमारे इस मुकाबले में जो मैच रेफरी हैं श्री सतकुमार साहू जी, स्टेट अंपायर हैं श्रीमती सावित्री जायसवाल जी जो कि नेशनल अंपायर हैं, और इसी हमारे दर्शकों को, जिससे कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को और दुगना कर सके। ये काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी खेल के लिए कि आप जो दर्शक होते हैं वो अपने खिलाड़ियों को उत्साहित करते हैं, और जिसके बदौलत वो अपने प्रदर्शन को और दुगना कर जाते हैं। चलिए, मैं विनोद शुक्ला जी जो कि स्टेट अंपायर हैं, साथ में जांजगीर जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी इस मैच में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मोर ध्वज सिंह जी नेशनल अंपायर हैं, श्री अशोक नायर जी नेशनल अंपायर हैं, साथ में प्राचार्य भी हैं आप शासकीय स्कूल के, श्री शंकर वैष्णव जी स्टेट अंपायर हैं, और इसी आता हुआ है खतरे की घंटी यहाँ पर बजी हुई है सुरेंद्र के लिए, और देखिए किस तरह से इशारा किया है। अभी परिणाम आना बाकी है, निर्णय अभी आना बाकी है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, स्वीकार करना होगा। मैं परिचय करा रहा था हमारे ऑफिशियल से, शंकर वैष्णव जी जो कि स्टेट अंपायर हैं और जांजगीर जिला कबड्डी संघ के सचिव भी हैं आप, श्री बाबूलाल चंद्रा जी जो कि नेशनल अंपायर हैं, श्री नागेश ठाकुर जी जो कि स्टेट अंपायर हैं, और साथ में मैं केशव चंद्रा कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजकुमार जी और गुप्ता जी और टंडन जी जो कि हमारे खेल अधिकारी हैं कोरबा जिले के। तो इस तरह से हमारी ऑफिसर्स की टीम आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है इस महामुकाबले में, जहां पर स्कोर हो चुका है 3 अंक कोरबा। बिलासपुर के खिलाड़ी को या तो अंक लाना होगा या तो गंवाना होगा। प्रेशर है इस मुकाबले का, महामुकाबले का प्रेशर है। राजकुमार जी, सही माने में चंद्रा जी प्रेशर का मुकाबला है, और खासतौर से रेड और डिफेंस जिसका बेहतर खेलकर खेल जाएगा निश्चित रूप से जीत उनके पास अक्ष न जाएगी। अभी जिस तरह से दोनों टीम के रेडर चल रहे हैं, हालांकि शुरुआत में कोरबा ने भी अच्छा काम करके दिया जब दुर्गेश को उन्होंने रोका, और अभी कुछ देर पहले मूलचंद का शिकार किया बिलासपुर के टीम ने, तो डिफेंस को अच्छा काम करके देना होगा। इसके पहले दुर्गेश जब रेड पर आए थे तो आते ही उनका टैकल करने के जाने की जरूरत थी नहीं, इतनी जल्दीबाजी इतने बड़े स्टार रेडर को अब कर नहीं सकते, इतनी जल्दीबाजी पकड़ नहीं सकते, आपको मौके लेना होगा, थोड़ा समय भी देना होगा। अभी कुल मिलाकर के डिफेंस करने आपको जाने की जरूरत है।
अटैक पे जा रहा है, जहां 5 और 3 के मुकाबले अब 2 अंकों के लीड अब बिलासपुर के पास है। एक छोर पर दुर्गेश कॉर्नर स्पेशलिस्ट, 5 रेडर बनाम कोरबा का डिफेंस का कवर चल रहा है। 3 और 6 के मुकाबले 3 अंकों की लीड के साथ दुर्गेश नेताम और छत्तीसगढ़ के, वो जैसे कि जानकारी दे रहे थे चंद्रा जी की, वो प्रो कबड्डी के चयनित खिलाड़ी यूपी योद्धा के लिए प्रिंस का शिकार किया उन्होंने, और प्रिंस के शिकार के साथ खेल दिया है। एक लोन आलेंट के बिल्कुल करीब है इस समय बिलासपुर की टीम, और दूसरी ओर ऑल आउट के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ी हुई है कोरबा की टीम, और ऑल आउट पे जाएगी कोरबा, और कोरबा के ऑल आउट पे जाने के साथ कहां से आंकड़ा छू रही है बिलासपुर अंत के मामले में, जबकि शुरुआत में लेकिन उसको टच किया जाएगा, और अब जाकर के कोरबा ऑल आउट हो रही है। 1+2 3 पॉइंट लोना का इशारा हो रहा है बिलासपुर के लिए, और जर्मनी पर अपने ही घरेलू मैदान पर पिछड़ रही है। हालांकि शुरुआत में वो 2 अंकों के लीड के साथ 3रा अंक भी अर्जित किया था, लेकिन उसके अलावा महज 1 अंक अर्जित कर पाई है। सुरेंद्र का शिकार हो गया है, तो अब यहाँ पे रेडर भी चल रहे हैं बिलासपुर के लिए, डिफेंस भी काम करके दे रहा है। हालांकि बोनस अंक वो मिला है कोरबा के टीम को, तो 4 से बढ़कर अब 5 कोरबा, जबकि 1 ऑल आउट लेने के साथ 12 अंक पर है बिलासपुर की टीम। वीरेंद्र कुशराम नंबर 5 की जर्सी पर, लंबे कद के रेडर बिलासपुर के लिए, राइट रेडर वॉक लाइन के बाहर से क्रॉस खींच के बाहर से इस रेड को उन्होंने थोड़ी चतुराई भरी अपने फुटवर्क में बदलाव किया। उधर निखिल शायद लॉबी पे चले गए हैं या तट खा गए हैं, और निखिल के वहां जाने का मतलब ये है कि 13 अंक अर्जित कर रहा है बिलासपुर के टीम। तो 13 और 5 के मुकाबले यहाँ पर बढ़त जो है, लीड जो है 8 अंकों के साथ 7 का फुल हाउस भरा हुआ मैदान। आइए जुड़ते हैं गुप्ता जी और टंडन जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। स्वर्गीय श्रीमती ज्योति पांडे जी की स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता का यह फाइनल मुकाबला बिलासपुर जिला वर्सेस कोरबा नगर के मध्य, जिसका स्कोर 13-6 का चल रहा है। 7 अंकों से बिलासपुर अपनी टीम का बढ़त बनाए हुए हैं। टेक्निकल टेबल की बाई ओर बिलासपुर की टीम और दाई ओर कोरबा नगर की टीम, दोनों टीमों के बीच शानदार कांटे का टक्कर या कबड्डी का मुकाबला आप कोरबा के ओपन थिएटर से देख रहे हैं, और YouTube पर आज का यह मैच दिखाया जा रहा है लगातार, जब से मैच चला हुआ YouTube में देखा चल रहा है। मैं पुनः मंचासीन अतिथियों दर्शकों आप सभी का कोरबा ओपन थिएटर के इस प्रांगण पर, जहां पर स्वर्गीय श्रीमती ज्योति पांडे की स्मृति में छत्तीसगढ़ सुपर लीग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन उनके पुत्र चिन्ना पांडे एवं गोपू पांडे के द्वारा एक बहुत ही शानदार और सफल आयोजन कराया जा रहा है, जो कि कोरबा के इतिहास में ये यादगार रहेगा। मैंने बहुत सारे मैच देखा कोरबा में, बहुत सारे मैच का उद्घोषक बन करके मन से कबड्डी का उद्घोष किया, परंतु ऐसा मैच और इस तरह का आयोजन पहली बार देख रहा हूं। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह खेल मैदान, मैं समझता हूं कि 10-1 हजार दर्शक होंगे यहां पर, जहां भी नजर घुमाइए आप दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं, और 15-8 का स्कोर, 5 अंक की जर्सी पर रेड करता हुआ बिलासपुर टीम का खिलाड़ी 1 अंक के साथ अपने पाले में। इस 1 अंक के साथ बिलासपुर का स्कोर पहुंचा 16, जबकि कोरबा 8, 8 अंकों की बढ़त पर बिलासपुर की टीम। मैं माइक्रोफोन सौंपता हूँ श्री टंडन जी को, कि आगे का अनुभव आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कृपया ध्यान देंगे, सिक्योरिटी वाले प्लीज, सिक्योरिटी राइट हैंड साइड। यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिलना है निश्चित रूप से जी हाँ, ये आयोजन काफी बाउंसर साथी और निश्चित रूप से जैसा कि
खेलों में मैच टेम्परामेंट के अभाव के कारण हमारा कोरबा जिला की टीम अपने काफी अंकों से पीछे चल रही है और एक यहां पे उनको बड़ी चातुर्यता का परिचय देना पड़ेगा। और यहां पे भाई एकदम प्रोफाइल के अनुसार से टेम्परामेंट बिलासपुर की टीम निरंतर अग्रसर होते हुए 19 पे बिलासपुर और कोरबा नगर 9 पर। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इस आयोजन समिति सभी बाउंसर व्यवस्था देखे जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी क्योंकि ये जो आयोजन है आयोजन समिति की ओर से अप्लाई करने की आवश्यकता है। और इसमें हमारा कोरबा नगर की टीम अभी पिछड़ी में 2 बार पाली खाली कर दिया और निश्चित रूप से कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर हमारे कोरबा के खिलाड़ी को थोड़ा सा यहाँ पर और बड़े उत्साह के साथ खेलना चाहिए जैसा कि अभी समय समय के बढ़ोतरी कर तो भी बिलासपुर और बादल आगे केशव चंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद टंडन जी। दोस्तों चाहे खेल कोई भी हो कबड्डी हो हॉकी हो क्रिकेट हो फुटबॉल हो हार जीत का यह खेल होता है। दोनों में से किसी एक टीम को हारना है और किसी एक टीम को जीतना है तो जीतने वाली टीम के लिए मैं अभी से अग्रिम बधाई देता हूं और हारने वाली टीम के लिए सिर्फ इतना कहता हूं कि कौन कहता है कि आप काबिल नहीं है। अरे कौन कहता है कि आप काबिल नहीं है जरा उनसे जाकर के पूछिए जिनको ये हासिल नहीं है जिनको ये हासिल नहीं है। माइक्रोफोन सौंपता हूँ चंद्र जी को आगे चंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी टंडन जी और बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। दर्शकों की भी उपस्थिति अब नजर आ रही है और इसी बिलासपुर ने जो अभी तक कामयाबी हासिल की है उनको पता है कि जो उनके बेहतरीन रेडर हैं उनको वो पहले ही बैठा देते हैं और उसके बाद पूरे पाले को समाप्त कर रहे हैं जिसकी बदौलत अभी तक 27 महत्वपूर्ण अंकों के साथ बिलासपुर की टीम इस फाइनल मुकाबले में है। और दूसरी ओर कोरबा की टीम ने महज 10 अंक अभी तक अर्जित किए हैं। मैं कोरबा के दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्थानीय टीम को भी सपोर्ट करते रहें ताकि वो दुगने उत्साह के साथ इस मैच में अपना प्रदर्शन को मजबूती के साथ बनाए रखें लगातार उनका हौसला अफजाई करें उनका उत्साहवर्धन करें ताकि जबरदस्त मुकाबला फाइनल मुकाबला जो कि 36 सुपर लीग कबड्डी प्रतियोगिता में चल रहा है वो हमें और आगे देखने को मिले। हमारे तमाम सम्मानीय अतिथि मंच पर विराजमान हैं और जो कि मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और टाइम आउट ओवर हो चुका है। मैं बात कर रहा था कि क्या टाइम आउट के बाद अपने रणनीति में बदलाव करेगी कोरबा की टीम वापसी कर पाएगी पहले हाफ में। फिलहाल तो टाइम आउट के बाद यही है कि एक रिवाइवर की जरूरत है उनको रिवाइव की जरूरत है क्योंकि दोनों कोरबा के लिए मुसीबत यह है कि बिलासपुर के पास 3 रेडर तो आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ संस्कार मिश्रा वीरेंद्र कुचराम हो या दुर्गेश नेताम हो इनके अलावा सोनू नेताम और दुर्गेश साहू भी प्रमुख रेडर में उनकी गिनती है। हालांकि उनको ज्यादा रेड करने का मौका मिलता नहीं है इन लोगों की उपस्थिति में तीन रेडरों की। और दूसरी ओर सुरेन और मूलचंद के ऊपर जिम्मेदारी है खासतौर के रेट पर डिफेंस नहीं चल रहा है नो ऑफेंस चल रहा है। इधर देखिए खिलाड़ी बिना स्ट्रगल के बाहर लॉबी में चले गए अब ऑल आउट क्या और नजदीक लगातार दोनों खिलाड़ी की इकट्ठे के कर दिया है प्रिंस का भी शिकार कर दिया है के बाद एक बोनस के लिए पैर जरूर डाला है लेकिन बोनस से रिवाइव नहीं मिलेगा रिवाइवल नहीं मिलेगा आपको खिलाड़ी अंदर आने आएंगे नहीं तो टच कम से ये खिलाड़ी को अंदर लाना है अपने साथी खिलाड़ी को तो 1-2 होना है तो अन्यथा ऑल आउट के दहलीज पर है आपकी टीम बिल्कुल नजदीक है और कहीं ऐसा न हो अपने ही मैदान पर जीत की चुप्पी Thank you.
तो हम बात कर रहे थे जो जीत की उम्मीद, सिरोमोर बनने की उम्मीद, स्वर्गीय श्रीमती ज्योति पांडे की स्मृति में छत्तीसगढ़ सुपर लीग के इस आयोजन के इस तरह के खेल से कहीं इतने अंकों से पिछड़ने से सही कहीं सुतारा पात न हो जाए उस उम्मीद में कोरबा के लिए। इसके लिए अभी से कुछ करना होगा मूलचंद और सुरेंद्र को, खास तौर से रेड पर तेजी से आए छोटे कट के दुर्गेश साहू और बिल्कुल कमर का केस सफल हुआ। नंबर 11 के जल्दी मिश्रा भी पड़े हैं वहाँ पर, लेकिन मिश्रा के मिलने के साथ साथ उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा अपने आप को, कहा कि मैं अभी भी सेंटर लाइन की ओर बढ़ सकता हूँ। उन्होंने अपने आप को बढ़ाना चाहा लेकिन पहुंच नहीं पाए, तो काफी देर के बाद कोरबा के लिए बारवांग और 35 और 12 के मुकाबले लीड बहुत बड़ी है। पहले हाफ के खेल में अभी भी 4 मिनट 20 सेकंड के आसपास का खेल आना बाकी है। पहले हाफ में तो कोरबा पहले हाफ में और अंकों की भरपाई कर जाता है तो ज्यादा बेहतर होगा चंद्रा जी, क्योंकि दूसरे हाफ के खेल में जिस गति की बात आप कर रहे हैं रणनीति के बाद, वो रणनीति बनाने के बस करता है वो दूसरे हाथ में खास तौर से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस हाथ में बढ़त को अधिक ना होने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इधर दुर्गेश कुमार लंबे कद के रेडर, उन्होंने बोनस का एक प्रयास किया, ब्लैक लाइन को पार करने की कोशिश की और उसको स्वीकार लिया गया है। थमक के साथ दोनों छोर से इशारा, अंगूठे का वो इशारा 35 से 36वें अंक जोड़ने का स्कोर में, तो 36 और 12 के मुकाबले अब 24 अंकों के लीड के साथ डिफेंस के ऊपर 6 खिलाड़ी मैदान, 6 खिलाड़ियों के साथ सुरेंद्र के सामने बोनस का ही टच का पेट दिखाया, और फिर दिखाने का मतलब यह है खिलाड़ी आए जरूर, लेकिन उसके पार पहुंचाया और पहुंचाने के साथ वो अंक 13वां अंक लिया कोरबा के लिए। कोरबा 13 पर 36 पर बिलासपुर, अंतिम 37वां बिलासपुर के टीम को 37 और 13 के मुकाबले, ठेका डिफेंस लेफ्ट रेडर मूलचंद के साथ टच किया कॉर्नर पर दुर्गेश को, खिलाड़ी को 14 और 37 के मुकाबले आउट होने वाला खिलाड़ी उधर से सामने से निकलना है, ये जानकारी आपको एक बार फिर से और खिलाड़ियों के लिए। और बिल्कुल 2 मिनट 38 सेकंड के आसपास के पहले हाफ का खेल है और इस हाफ के उस अंतिम क्षणों के लिए आइए हम आपको जोड़ रहे हैं गुप्ता जी और टंडन जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाजपुर के 5 अंक की जर्सी पर कोरबा टीम के पाले में रेड करता हुआ और बिना किसी अंक के वापिस अपने पाले में कोरबा की ओर से रेड करता हुआ भुरु बिलासपुर टीम के पाले में बोनस ऑफ है अभी, क्योंकि 5 खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी पर ही बोनस अंक मिलता है और कोरबा टीम के खिलाड़ी ने इस एक अंक के साथ कोरबा का स्कोर पहुंच गया 35 जबकि बिलासपुर 37। बिलासपुर की टीम लगातार आपके अपने टीम के खाते में अंकों का इजाफा करते हुए और पुनः एक अंक बिलासपुर टीम के खाते में और इस एक अंक के साथ कोरबा का स्कोर पहुंच गया 38। क्षमा चाहूंगा, बिलासपुर का स्कोर पहुंचा 38, कोरबा 15 पर। कोरबा की ओर से बिलासपुर की टीम के रेड है और बिलासपुर ने एक अंक अर्जित किया 39-15 का स्कोर 12 नंबर की जर्सी पर बिलासपुर टीम का खिलाड़ी रेड करता हुआ कोरबा टीम के पाले में। यहां पर भी बोनस ऑफ है क्योंकि 5 खिलाड़ी बचे हैं। बहुत ही अच्छी पकड़ लेकिन नाकामयाब रहे, 3-2 खिलाड़ियों को आउट करार दिया निर्णायक, तो हम के साथ बिलासपुर का स्कोर पहुंच गया 41 जबकि कोरबा 15 पर। बिलासपुर की टीम में यूपी योद्धा की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी
और बहुत ही अच्छे रेडर है और बहुत ही अच्छे कैचर है लाठी की टीम में। मुझे तो कोरबा का टीम भी इतनी कमजोर नहीं है, वो भी बहुत अच्छी टीम है, बस कोरबा की टीम में तालमेल का अभाव मुझे नजर आ रहा है, जिसके कारण वो अंक तालिका में काफी पीछे हैं। अगर आपस में तालमेल उनका हो जाए तो कोरबा की टीम भी आगे निकल सकती है, अभी कहा नहीं जा सकता। सुपर टेकल आन है और पुनः एक अंक का इजाफा ब्लैकबुल टीम के खाते में, इस एक अंक के साथ ब्लैकबुल का स्कोर पहुंचा है। फिर से मुकाबला यहां पर प्रारंभ हो चुका है सेकेंड हाफ का, और जहां पर फिर से कोरबा का पाला यहां पर समाप्त होता हुआ, जबरदस्त मुकाबला। 15 अंक कोरबा, 40 अंक है बिलासपुर के, महत्वपूर्ण बढ़त अगर कहा जाए अभी तक तो बिलासपुर ने इस प्रतियोगिता के सिरमौर बनने के लिए अभी तक बना लिया है। इस महामुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है बिलासपुर का, शुरू से लेकर आखिरी तक शानदार खेल का प्रदर्शन रहा, चाहे वो लीग मैच में हो, चाहे वो क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो या फाइनल, तो अभी तक शानदार सफर रहा है और शानदार सफर रहा है कोरबा के खिलाड़ियों का भी, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी टीमों को पछाड़ कर इस मुकाबले के खिताबी मुकाबले में आपने प्रवेश किया है। लेकिन अभी आपके विपरीत थोड़ा सा समय चलता हुआ जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमे हो बार ऐसा जुनून चाहिए। दो अंक यहाँ पर दिया है, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा धरती पर, बस आपके इरादों में जीत की बूंद चाहिए, आपके इरादों में जीत की बूंद चाहिए। तो बेहतरीन मुकाबला जहाँ पर जद्दोजहद कर रही है कोरबा की टीम, लेकिन एक और बिलासपुर के खिलाड़ियों ने खासा प्रभावित किया है। शानदार मुकाबला अभी चल रहा है, यहाँ पर मौका है, इस बार अटैक कर दिया है। जी हाँ, पावर पॉइंट दोनों ओर से राजकुमार जी, बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि बिलासपुर के जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतरीन है, और उसके बदौलत आज उन्होंने इस मुकाबले में 50 रन अर्जित कर चुके हैं। जी हाँ चंद्रा जी, आप देखिए फाइनल मुकाबले में इस तरह की उम्मीद हम कटाई लगा कर नहीं रखते हैं कि मुकाबला इस तरफ 17 इस तरफ 50 का हो, लेकिन जिस तरह के कॉम्बिनेशन है बिलासपुर टीम के पास, उसके डिफेंस का, ऑफेंस का, मैंने पहले बताया जिसका डिफेंस बेहतर खेलेगा चौथे कोरबा का। एक रेडर बिलासपुर के पास होगा तो उसको बाहर उठा करके डिफेंस को धीरे से वो आउट करते, लेकिन उनके पास तीन पर है और दोनों नहीं चल रहे हैं, यही मुसीबत तब सबक इस समय बना हुआ है कोरबा के लिए। 50 और 18 के मुकाबले फाइनल का वो मुकाबला स्वर्गीय श्रीमती रंगे जी की स्मृति में आयोजित इस 36 सुपर जैसा कहा कि बेहतरीन मुकाबला, और इस बात का गवाह है कि दर्शक इस अंतराल में भी जितने अंकों का आंकड़ा इस समय आपको दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी दर्शकों की उपस्थिति का गवाह है कि वो अंतिम लेना जा रहे हैं, चाहे वो किसी घर का मंच हो या फिर दर्शकों की उपस्थिति हो। दुर्गेश का काम है, चार खिलाड़ी है, लंबे कद के है और पूरा समय उन्होंने लिया इस रेट पे अपना, जो उन्होंने पूरा समय लिया 26 सेकंड का वापस के अपने दूसरे हाफ का खेल है और सिरमौर बनने की लड़ाई है इस प्रतियोगिता की, छत्तीसगढ़ सुपर लीग कबड्डी प्रतियोगिता की, जहां बिलासपुर अपने आप को काफी हद तक बहुत ऊपर ऊंचे आगे पा रहा है कोरबा के सामने।
तो कोरबा के लिए अभी भी समय है, अगर कुसंतों की भरपाई आप भी कर सकते हैं, बसरते आपको अपने अंदर की वो जज्बा है उसको कायम रखना होगा, अपने आप को जगा के रखना होगा। लेकिन जाजपुर ऐसा करने देगी कम ना, क्योंकि वो लगातार अंकों की बढ़त को और अंकों के दबाव को बना के रखना चाह रही है कोरबा के खिलाड़ियों के ऊपर, उस दबाव में बिखर रही है कोरबा की टीम। दो अढ़ाई में इंतजार करने के वक्त तो है नहीं, पढ़ रहे हैं दो अढ़ाई का रेड है, डिफेंस में कौन साफ है रेडर दुर्गेश के लिए, दुर्गेश के दोनों एंकल पे जाने की हुटर इस बात का संकेत है, वो भोपू इस बात का संकेत दे रहा है कि एक खतरे की रेड है रेडर के लिए, अंदर गए एक जनता की दो दो खिलाड़ी कट्ठे आए कमर से चुम्बू के जाए और दो इनाम के साथ एक खिलाड़ी आए, उन्होंने डैश किया रेडर को बाहर किया कोर्ट से। बिलासपुर के लिए तिरपन अंक पर बिलासपुर, इधर वीरेन का कैच शिकार छूट गया, वीरेन सफल हो गए बिलासपुर, और एक और लोना के नजदीक, लोना रेले के नजदीक आकर खड़ा हुआ है, बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ है बिलासपुर के टीम, जहां प्रिंस है कि कले खिलाड़ी प्रिंस अगर टच के अंक नहीं ले जाते तो वैसे भी रेड बॉल को आउट कर लेगी बिलासपुर के, आउट कर जाएंगे बिलासपुर के हेंडर, और कहां बीचों बीच से दोनों पैर चलाने की कोशिश थी, किसी तरह से अंक बटोरा जाए ये कोशिश है रेडर की, अंक मिलेंगे नहीं वक्त वापस जाएंगे। खेल में निर्धारित समय तक जितनी मरतबा ऑल आउट होंगे चिल्लावा मांग ले होकर बात सबकी क्यों में जा रहे हैं, खिलाड़ी को बदला जा रहा है, उतनी मरतबा आकर के आपको नए सिरे से इस मैच कबड्डी के कोर्ट में खेलने का मौका मिलता है, ये खेल की इस कबड्डी की खूबसूरती है। संस्कार मित्रा का गेट छोड़ गया है, ऑफिशियल टाइम आउट के बाद एक बार फिर से मैच प्रारंभ हो गया है। सुरेंद्र कुमार अरे भाई मार के लेके जा यार, लंबे कद के लेकिन उनका रेड करना चल रहा और साथ ही साथ डिफेंस का भी न चल रहा, दोनों का सहयोग आपस का तालमेल सही नहीं बैठा पा रहा, ये अभी उसका खामियाजा भुगत रहा है इस समय कोरबा की टीम। हम आपके साथ दोनों से इशारा हो रहा है बोनस का कोरबा के लिए, देखिए हाथ पर बचा कर कोरबा को बोनस कम, बोनस के साथ 19 पर मिश्रा है रेड पर, संस्कार मिश्रा लंबे कद के खिलाड़ी और राइट रेडर है, लगातार उस कॉर्नर को दबा में रखने की कोशिश है उनकी, जबकि दूसरे कॉर्नर को लगातार वो आमंत्रण भेज रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए अगर आपके आपके हिम्मत है तो थाली पे जाइए, या तो दोनों इंकल को पकड़ने की कोशिश की है, कॉर्नर से किया गया तो वहां से उनको नीचे दबा करके उसके ऊपर से जंप लगा करके लेकर गए थे रेडर दुर्गेश कुमार, तो इस तरह के जोखिम लेना भी पसंद नहीं कर रही है। मनीष को सब्स्टिट्यूट करके लाया गया है, मनुष्य क्या कुछ कारनामा कर जाएंगे कोरबा के लिए देखना होगा, समय गुजरता चला जा रहा है, कोरबा को कुछ अलग तरह के कबड्डी के खेल खेलना होगा, कुछ नए तरीके अजमाने होंगे, मतलब कि खेल की गति को धीमी कर रहा है बिलासपुर, उस गति को बढ़ाने की आवश्यकता है, थोड़ी सी चपलता के साथ तीसरा का टीका करने क्या जा रहे थे उन्हीं को पता है, एक हाथ उन्होंने डाला वो भी अनमने ढंग से, अंत में कॉर्नर से खिलाड़ी ने कहा कि इस तरह के टिकट के लिए जाने नहीं है आपको, हालांकि हमारी टीम के पास बढ़त जरूर है लेकिन बेवजह की हम देना हम पसंद करेंगे। इधर वीरेंद्र कुमार थोड़ा समय ले रहे क्योंकि टीम बहुत अंकों की बढ़त पर है, इतने अंकों की बढ़त और 11 मिनट के आसपास का खेल बचा हुआ है, ताली बजावे ना 11 मिनट के आसपास का खेल बचा हुआ है, तो वहां से इतने अंकों की भरपाई करना, देखिए 40 अंकों की भरपाई करना है, और ऐसा होता अगर कहूँ कबड्डी में ऐसा होते, अब इस मैच में ऐसा होते में जब नहीं आ रहा है, उम्मीद लगा के रखना हम सबका काम है और उम्मीद हम भी लगा कर बैठे हैं, ये हार या पराजय हो भी जाती है, इतने अंकों की अंतराल ना हो, अंकों की पराजय की हार को कुछ कम भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी से पराजित हो गए भी कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अंकों की भरपाई
करने की तरीके से एक लग रहा है कि क्या कोरबा अपना शटर डाउन कर रहा है, क्या यहाँ से वो कोरबा अपने आप को बचा रहा है, यहाँ से हम जीत सकते नहीं, ऐसा सोच के आ गई उनके अंदर, लेकिन अभी से सोचना मुनासिब नहीं होगा। अभी तो पूरा रास्ता खुला हुआ है उनके लिए, आगे के लिए गुप्ता जी स्वर्गीय श्रीमती ज्योति पांडे जी की स्मृति में छत्तीसगढ़ सुपर लीग कबड्डी प्रतियोगिता का यूट्यूब पर जो आंखों देखा हाल देख रहे हैं, मैं आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारा स्कोर बोर्ड काफी छोटा है, तो मैं आपको बता दूं टेक्निकल टेबल की बाईं ओर कोरबा की टीम और दाईं ओर बिलासपुर की टीम, दोनों टीम के बीच जबरदस्त मुकाबला, बिलासपुर की टीम 61 अंकों पर और कोरबा की टीम 22 अंकों पर, इस तरह बिलासपुर की टीम काफी मजबूत स्थिति में है, उस अंक को बराबर करना होगा तो कोरबा की टीम को आपसी सामंजस्य और तालमेल के साथ एक अच्छा खेल का प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि समय काफी कम बचा है, इतने कम समय में चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, समय है तो बहुत ही जोरदार और तालमेल के साथ खेल का परिचय देना होगा, रेडर को भी बहुत अच्छा रीड करना पड़ेगा और अंक अपने खाते टीम के खाते में बढ़ाने का प्रयास करना होगा, तभी संभव हो सकता है, हालांकि खेल में कोई भी चीज असंभव नहीं होता है, हर चीज संभव हो जाता है, लेकिन कबड्डी में एक समय रहते ही संभव हो सकता है और क्रिकेट में भी समय रहते ही संभव हो पाता है, वॉलीबॉल में भी समय रहते ही संभव हो पाता है, यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है चाहे कोई भी खेल हो उसकी भरपाई की जा सकती है, काफी अंतर है अभी भी कोरबा और बिलासपुर के टीम के अंकों पर, 65 पर बिलासपुर की टीम और 22 पर कोरबा की टीम, और 65 से 66 बारह अंक खिलाड़ी ने चुना अपने टीम के खाते में एक अंक का इजाफा कराया, इसी साथ 66 और 22 का अंक हो चुका है, 44 अंकों से बिलासपुर की टीम अपने बढ़त बनाए हुए है। मैं पूरा माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूँ श्री टंडन जी को आगे का हाल सुनाने के लिए, श्री टंडन जी आप निश्चित रूप से यहाँ तो खेल कबड्डी का हो रहा है, मैं तो कहना चाहूंगा कि कबड्डी खिलाड़ी को पहले पहलवान होना चाहिए, क्योंकि कबड्डी का जो खेल का इजाद हुआ है रग्बी और कुश्ती से हुआ है, क्योंकि कुश्ती में जो पहलवान होता है पहले जाबाज होता है, और रग्बी में 11 खिलाड़ी एक खिलाड़ी को दौड़ा के पकड़ते हैं, पकड़ते हैं, अब निश्चित रूप से कबड्डी का खेल शौर्य ऊर्जा स्ट्रेंथ स्टेमिना कोऑर्डिनेशन और समन्वय का खेल है, जो कि चातुर्यता के साथ खेला जाता है, निश्चित रूप से विधाओं में पारंगत है बिलासपुर की टीम, और अभी हमें कोरबा जिले के जो प्रशिक्षक हो रहे हैं और अभी जाने की आवश्यकता हो करना चाहूंगा, ये हमारा जो स्वर्गीय माता श्रीमती ज्योति पांडे जी की जो स्मृति में आयोजन किया जा रहा है, जो सुपुत्र हैं सम्माननीय चीना पांडे जी, उनके द्वितीय पुत्र गोकुल पांडे जी और उनके सहयोगी श्री गर्ग जी तथा आयोजन समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण, जो कि आज केसरिया रंग धारण किए हैं और निश्चित रूप से 20 तारीख से वो तन मन धन से इस आयोजन को संपन्न कराने में लगे हैं, चाहे परिणाम जो भी हो कोरबा के विरुद्ध में कोरबा के पक्ष में, परंतु स्तर का आयोजन का प्रतीत है जहाँ पर सारे संसाधन की व्यवस्थापन की गई है, और इसके लिए हमारे आयोजन समिति बड़े साधु मान्य है, और मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि जिसकी सुरभि सर्वत्र बिखरे, जिसकी सुरभि सर्वत्र बिखरे, माटी नहीं वो चंदन है, और इस धरती की कण कण से खिलाड़ियों आपका अभिनंदन है,
दर्शक आप लोगों का अभिनंदन है, अतिथि आप लोगों का अभिनंदन है, अतिथि आप लोगों का अभिनंदन है। लेके अगले हमारे कमेंटेटर श्री चंद्रा जी, बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है। निश्चित रूप से बिलासपुर ने जो महत्वपूर्ण अंक यहाँ पर बटोरे हैं, जो बढ़त बनाई है, वो लगभग तरफा हुआ है मुकाबला। लेकिन कोरबा के खिलाड़ी अभी भी जद्दोजहद करते हुए निश्चित रूप से संघर्ष करना होगा कि जो अंक बढ़े हुए हैं, अंतर यहाँ पर दिख रहा है, वो कम कर सके। वो यहाँ पर थर्ड रेट का इशारा हुआ है। ये जो हुटर आता है उसका तात्पर्य होता है कि आप थर्ड रेट पर जा रहे हैं, डू एंड डाई, करो या मरो का स्थिति होता है। और ये गलती यहाँ पर कर बैठे कोरबा के खिलाड़ी नंबर 11 के खिलाड़ी। अंतिम 5 मिनट का इशारा आ चुका है मैच रेफरी के द्वारा। देखने वाली बात होगी कि क्या इन 5 मिनटों में कोरबा की टीम कुछ अलग कर पाती है। हम जिस गति से खेल रहे हैं वो अनवरत उससे जारी रहेगा। अभी तक 74 अंकों के साथ महत्वपूर्ण बढ़त यहाँ पर बनाई हुई है। बिलासपुर की टीम लगातार कोरबा के पाले को अभी तक समाप्त करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और देखिए, ये खिलाड़ी भावना का परिचय है। जो टच हुआ उतारा प्रिंस ने वापस है। मैच भले ही आपके पक्ष में ना रहा हो, लेकिन दर्शकों का दिल आपने जीता है। खिलाड़ी खेल का प्रदर्शन, अंतिम 4 मिनट का खेल इस प्रतियोगिता का बचा हुआ है। महामुकाबला जो जारी है उसका अंतिम 4 मिनट से धीरे धीरे खड़ी की सुइयां और कम होती हुई और कोरबा के लिए खतरे की घंटी लगातार बज रही है। सुपर टेकल हालांकि ऑन है, अगर आप रेडर को पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर 2 अंक आपको मिलेंगे। अभी भी मौका है, सफलता कुल मिला के आपने चलिए दो अंक आपने 7 पॉइंट ले। आपके स्टार रेडर सुरेंद्र गए हुए हैं बिलासपुर के पाले में, अंक यहां पर जुटाने होंगे। रेडर को आउट कर लेते हैं, 2 अंक के लिए जाएंगे कोरबा के खिलाड़ी या जर्सी नंबर 8 के फुर्तीले खिलाड़ी वापस जाएंगे। अभी तक 25 और 76 सारी अंतर यहाँ पर अंदर प्रयास पूरी तरह से अंदर निकल रहे हैं। अंतिम कुछ सेकंड बाकी है इस रेड के, सही समय पर वापस गए। घड़ी की सुइया जब टिक टिक करने लगती है तो आपको समझ आता होगा कि आपके रेड की समय जो 30 सेकंड मिलता है वो अंतिम 5 सेकंड की आ जाता है। और यहाँ पर दर्शकों को बिल्कुल उसके विपरीत मैच गुजरा हुआ है और 2 मिनट के कम का नीचे का पाने को बाकी है। क्या यहाँ क्या यहाँ से 100 के अंक तक पहुँचा पाएगा आपको बिलासपुर के टीम क्योंकि 1.5 मिनट के आसपास का खेल, इधर 25 है और जरा 78 का मामला साफ है कि जीरो मोर बनने की तैयारी हो चुकी है बिलासपुर की, जिसकी ऑफिशियली तौर पे घोषणा आना ही बाकी है उस अंतिम सेकंड के साथ, निर्धारित समय के साथ। अन्य और उसके अलावा ये कहूँ कि यहाँ से वापसी के रास्ते अभी भी खुले हैं तो गलत होगा, कतई उसमें कोई उम्मीद नहीं है। इधर देखिए झोंक दिया अपने आप को, और 81 पर है
और एक मिनट का खेल है तो 100 आंकड़ा तो नहीं छू पाएगी। क्या एक और ओवर किया जाएगा वो भी संभावना कम बनी हुई क्योंकि अंतिम मिनटों का खेल है, मिनट से कम का खेल बचा हुआ है। तो 25 से 26 में कोरबा को स्वर्गीय कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में तरफा पास्त करती हुई नजर आ रही है बिलासपुर की टीम और उसकी अब ऑफिशियली तौर पे घोषणा ही आना बाकी है, कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन दर्शकों की प्रशंसा बार बार करनी चाहिए हमें, जिन्होंने अभी भी मैच के इस कबड्डी कोर्ट के चारों तरफ को घेर के रखा हुआ है और यही इस खेल की खूबसूरती है, छोटा सा मैदान के चारों ओर घेर के आपको रखना और वो भी ठंड के समय में जबकि रात्रि का समय बढ़ता चला जा रहा है, बहुत कम समय बचा हुआ है और बचने के